अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। जी राहिला, कैसी हैं आप? लगता है आप हमें भूल ही गई हैं। अरे कोई खिदमत का मौका दें हमें भी। खिदमत की क्या जरूरत है अब आपकी, मुझे नहीं लगता आपकी कोई खिदमत चाहिए होगी। थैंक यू। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है, सुना है आपके शौहर और जेठ बिजनेसमैन लोग हैं, तो कोई हमारी भी सेटिंग करा दे उनसे। मतलब मैं समझी नहीं। सीधा सा मतलब है, मैं आपके काम आया, अब आपकी बारी है। भाई मेरा एक भतीजा है, काम में दिल नहीं लगता ना पैसा कमाने में लगता है। भाई उसकी कोई शादी वादी करा दे अपने ससुराल में लड़की देखकर। तो अकरम साहब मैं क्या करूंगी इसमें? भाई देखिए आपने करना क्या है ये कि भाई आप अपने ससुराल में अब देख लें, कोई अब सुना है कि आपके ससुराल में बड़ी लड़कियां हैं, कोई खूबसूरत कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें जायज में। है तो एक कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे हमने तो हमेशा मिलके साथ काम किया है और 50-50 में किया है, आपको पता है। याद है ना आपको बुढ़िया के घर डाका? अरे चुप 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 चुप, आप वो बात कहाँ लिखे बैठ गए हैं। आइए आइए तशरीफ लाइए। सारा दिन गुजार कर ऑफिस जब बंद होने वाला होता है, लोग घर जा रहे होते हैं, तो आप आ जाते हैं ऑफिस। हाँ से अम्मा मेरे होने ना होने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं आता। और बाकी जो भी काम काज है उसके लिए जिमी मामू हैं, देख लिया करेंगे। तुम करना क्या चाहते हो? अब पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, ताकि बिजनेस मैनेजमेंट की एक डिग्री ले लूँ, कारोबार को तो समझो। फिर तुमने बहुत अच्छी बात की है फाखर, मुझे तो खुशी हो रही है ये सुनकर। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, जरूर पढ़ो। कौन से कॉलेज में तुम दाखिला लेना चाहते हो बताओ मुझे। मेरे सारे दोस्त वगैरह जो हैं वो बाहर पढ़ने चले गए हैं, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर ही पढ़ लूँ जाके, ज़्यादा आसान है और सही भी है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हें हालात पता है, तुम पे जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तुम्हारे दोस्तों पर नहीं है, उनके हालात मुख्तलिफ हैं, तुम्हारे मुख्तलिफ हैं। ऐनी की जिम्मेदारी है, नाया की जिम्मेदारी है। मैं अकेले ये सब कुछ तुम्हारे बगैर तो नहीं संभाल सकती ना, मैं हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। तो ख्वाब है ना, मैं भी तो पूरा करना चाह रहा हूँ उनको। तो तुम्हारे ख्वाब ये पढ़ने के, डिग्री के, ये सब यहाँ रहकर भी पूरे हो सकते हैं। बीमारियों की छुट्टी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही हूँ, गुड लक। थैंक यू। वो शादाबाजी को समझा दिया था ना नाया के बारे में सारी चीज़ें? हाँ समझा तो दिया था वैसे, लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी ना तो अम्मा हैं घर पर, वो उनसे पूछ लेंगी। यार मैं चाह नहीं रहा इस बारी कोई गड़बड़ हो, सब हाथ तोड़ के पीछे पड़े मैं उनके, हल्की सी भी ऊँच नीच होगी ना फौरन निकलवा देंगे। मुझे अभी अभी याद आया कि इनाया ने ना कल दलिया खाया था और उसको वॉमिटिंग हो गई थी, मैं ना उन्हें बता देती हूँ कि इनाया को दलिया नहीं दीजिएगा। सर बता देना उनको, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। क्या? आओ बैठो यहाँ पे। एनी मैं दोबारा पढ़ना चाह रहा हूँ यार, मम्मा तो शायद ही मेरी बात सुने, तुम्हारी सुन लेंगे, तुम एक दफा बात कर लो उनसे। फिर इतनी छोटी सी बात है, तुम मुझे इतना सीरियसली बता रहे थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ मैं, और अभी भी करूँगी। मुझे यकीन है कि बड़ी अम्मी को ना इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ है उन्हें यार। एनी देखो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ यार, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँ। बाहर? हाँ। आखिर जब तुम यहाँ पे पढ़ते तो तुम पढ़ाई से भागते हो, तो तुम बाहर जाके कैसे पढ़े हुए? यार पढ़ लो हुए हैं, कोई बड़ी मुश्किल की बात थोड़ी है यार। मैंने बहुत कोशिश की है नहीं कि मैं किसी तरीके से बिजनेस को संभाल लूँ देख लूँ, लेकिन जब तक मुझे जाहिर नॉलेज नहीं होगी मैं किस तरह करूँगा ये सारी चीज़ें। अपने दोस्तों को देखता हूँ, देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई में किस तरह एक्सेल कर रहे हैं, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर चला जाऊँ पढ़ लूँ,
आपके दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम शर्मिंदा तो ना हो। तो फाकर तुम देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे ये नाया को बड़ी अम्मी को हम तीनों को यहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाओगे दूर पढ़ने के लिए? घर के सारे बड़े बाहर जाते हैं ना, ऐसे हैं ना घर जहाँ पे उनके अम्मा अप्पा या जो भी लोग हैं बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो फैमिलीज जो है वो सेक्रीफाइस करती है इस चीज़ पे। यार हम भी कर सकते हैं, सोचो ना यार, मेरे लिए अच्छा है दिन फोल का है। गाड़ी में जा रहा हूँ। मैम मैं सचमुच में बीमार थी, आप मेरी रिपोर्ट्स ही पढ़ने कम से कम। आजकल हर अगला बंदा इस तरह की रिपोर्ट लेकर आ जाता है। होगा तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार लैब में या होगा डॉक्टर? ऐसी कोई बात नहीं है मैम, आपके सामने मुझे कॉल आई थी और जब मैं घर जाने लगी तो मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई थी क्योंकि मेरा बीपी लो था। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। मेरी अम्मा हाउसवाइफ है और मेरे अब्बा। तुम्हारे अब्बू नहीं है? अब्बा हैं लेकिन वो मसरूफ होंगे। मैं आप कहती तो मैं अपनी अम्मा को कॉल कर दूंगी। ठीक है जाओ। जी मैम। तुम्हें तो आइडिया है ना ये सारे टेक्निकल फॉर्म्स वगैरह फिल करने का, वही बात है फिर जो। हाँ श्योर, वाई नॉट। तुम मुझे ये तो बताओ पहले कि एनी की तबीयत कैसी है? शुक्र है बेहतर है यार, एक आध दिन हमने नाया को संभाला, हमारी तो जान निकली गई, लेकिन अब इतनी बेहतर हो गई है, वो देख रही है नाया को। फाफ्टर मैंने तुम्हें कहा भी था कि एनी की हेल्प के लिए किसी को रख दो, वो बेचारी रेस्ट भी नहीं कर रही, दोबारा से बच्ची को देख रही, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी। तक नहीं थी मैडम हमने उसके लिए मेड, साथ के घर वाले सारे बाहर जा रहे हैं तो जो उसके घर में काम करते थे साथ में, मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि आप हमारे यहाँ आ जाए। अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो, क्या करना है? यार यही है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था ना, कारोबार से बन रहा था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी जो है वो संभाले नहीं जा रही थी, तो मैंने ये था क्या चलो एटलीस्ट पढ़ाई तो करो ना यार। और मैंने वैसे भी कारोबार में जो है वो जमशेद मामू से जो है वो हेल्प ले ली है, तो मुझे यही पता है कि चलो ठीक है कोई तो है देखने वाला, तो बस अब बाहर पढ़ना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ बाहर ही। तुमने एनी से और अपनी मामा से डिस्कस किया? यार पहले टोफिल क्लियर हो जाए उसके बाद कर लूँगा बात उनसे। आखिर देखो तुम्हारे अबू के जाने के बाद तुम्हारी मामा तुम पे डिपेंड करती हैं और एनी तो खुद एक बच्ची को संभाल रही है, सब यू नो यू नीड टू आस्क देम, वो शायद अग्री नहीं करेंगे तुम्हारे बाहर जाने पे। मुझे बस ये लगता है कि अगर वो मेरे मामलात समझते हैं, अगर उनको मेरा पता है, तो वो मुझे कभी भी इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट्स ऑल आई नो फॉर नाउ, बस अब ये है कि रिएक्ट किस तरह करेंगे ये देखना है। तो मुझे लेने क्यों आए? वैन वाले अंकल आने वाले थे। मैंने ही मना किया था उनको आने से, कॉल कर दी थी। क्यों? इन्हीं बात करनी थी मुझे, मैं इसलिए पिक करने आया हूँ सुबह। तुम्हें वही बात करनी होगी जो तुम्हें सुबह में करनी थी, वो बात मुझे सुबह भी नहीं अच्छी लगी थी और ना ही अब अच्छी लगी। एक चीज़ समझो यार प्लीज़, एक दफ़ा समझो, हमारे बड़ों ने जो करना था उन्होंने कर लिया, नहीं अच्छा किया, हमें इस चीज़ का इल्म है, लेकिन जो हमारी बच्ची को चीज़ ज़िंदगी है टूटी फूटी है, हम उसके बारे में तो कुछ सोच सकते ना, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में कर सकते हैं। और जब तुमने अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया मुझे अच्छा लगा, मैंने तो उसमें सपोर्ट किया जितना मैं कर सकता था, और मेरे लिहाज से भी सोचो ना यार, मैं उस टाइम पर सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर, और अब हो गया हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई से पता नहीं क्या मसला हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है फाखिर, जो तुम्हारे बाहर जाने से और पढ़ने से मसला है। मुझे इनाया को, बड़ी अम्मी को, हम सबको तुम अकेला छोड़ के बाहर चले जाओगे, मुझे इस चीज़ से इशू है। काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए मेरे पास डिग्री होना ज़रूरी है ना? वैसे ही एक अच्छा बाप बनने के लिए मैं कम से कम इतना तो उस काबिल हो जाऊँ ना कि अपनी औलाद का खर्चा अपने बल पर उठा सकूँ। तो ये सब तुम यहाँ पे भी कर सकते हो? नहीं कर सकता यहाँ पे, कब से कोशिश कर रहा था। हाँ क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो,
और तुम बाहर की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे मैच करोगे? मुझे आदत है ग्रुप स्टडीज की, ठीक है? हम सारे वहाँ दोस्त जाएंगे, एक साथ इकट्ठा मिलकर पढ़ेंगे, मैं सुकून से पढ़ लूंगा, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे मेरे। बड़ी अम्मी, ना ही तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देंगी और ना ही तुम बाहर जाओगे, बस बात खत्म हो गई। पहले वो फिनिश करो। अच्छा, पूछा ले लो। एनी बेटा, आपकी बहन आई हुई है, अब 6 में से 4 दिन तो छुट्टी हो जाती है इसकी वजह से। मम्मी क्या करूँ, अभी अभी चुप हुई है, छोड़ ही नहीं रही है, जाऊंगी रोने लग जाएगी। अब वही करो जो रोज करती हो, फाखिर को बोलो तुम्हें जाते हुए जाओ, छोड़ता हुआ जाए कॉलेज और इसको सुलाओ। अच्छा चुप आओ। अम्मा वैसे फाखिर ना फजूल में ही मैन अंकल की फीस दे रहा है, रोज तो मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ। आप एक काम करिए, तो मुझे फोन तक भी नहीं जाने देंगी, मैं फाखिर को फोन कर देती हूँ किसी न किसी तरीके से, आप मैन अंकल को मना कर। मैं मना कर, तुम इसके पास ही रहना, वरना बहुत रोएगी। मैं जा रही हूँ। हाँ कहो। अच्छा छोटे छोटे पीसेस। अच्छा नहीं 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 जा रही मैं, हाँ नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। क्या हुआ तुम आज फिर को? पैन मिस हो गई फिर से, छोड़ के आऊँ कॉलेज? क्या करती, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंग्लिश का टेस्ट था, फाकर मिस हो गया, इसलिए शादाबाजी को रखा था मैंने इन्हीं कामों के लिए, निकाल दिया मैंने। खैर बात कर ली मैंने, वो आ जाएंगी शाम में। आ जाएंगी? बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करूँ, अभी तो जाऊँगी रोने लग जाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ जितनी तबीयत ख़राब है ना इसके, तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, अम्मा के पास वैसे भी नहीं जा रही और बड़ी अम्मी के पास भी नहीं जाएगी। तुम्हें काम करना, अगर अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी ना तो इससे मुझे वापस देना। क्या रो, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको साथ कॉलेज ले चलो, वैसे भी चलती गाड़ी बस हो जाती है, ये सुकून से आएगी, फिर मैं उसी ले आऊँगा ना। कैसे लेकर आओगे? आपसे तुम लेकर आ रहे होगे, ड्राइव कर रहे होगे, और या अगर सीट से गिर गए तो? क्यों गिरेगी सीट से, सीट पीछे करूँगा, बेल्ट बांधूँगा, आ जाएगी वापसी। तुम जल्दी से बस तैयार हो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आ जाओ।